हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको एक बहुत यमी सी चटनी बनाना बता रहे हैं जो खजूर, इमली और गुड़ से बनेगी। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है इमली का पैकेट, जो ये ऑर्गेनिक इमली है, बिल्कुल इसमें बीज नहीं है। ये देखिए इस टाइप की है, तो बिल्कुल साफ है, ये बीज नहीं है इसके अंदर। ये मैंने ली है 75 ग्राम। ये मैंने खजूर लिए हैं जो इस टाइप के हैं, थोड़े सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट वाले लिए हैं मैंने। ऐसे देखिए सॉफ्ट खजूर है। तो इसका हम क्या करेंगे, कट करके ना इसको, इसका सीड निकाल देंगे। ऐसे इसको कट करेंगे और इसका सीड ऐसे निकाल देंगे। तो मैंने ये सीड निकाल के इस तरह से लिए हैं, ये खजूर हैं देखिए। और ये 75 ग्राम ये है, 75 ग्राम ये है, और 300 ग्राम गुड़ है। यानी इमली और खजूर बराबर मात्रा में है, और गुड़, ये देखिए मैंने ऑर्गेनिक ही गुड़ लिया है। चटनी काफी दिन तक चल जाती है बना के रखें तो। और इनको ना मैंने सबको, देखिए आप देख रहे होंगे, धो लिया है अच्छे से। बेशक ये ऑर्गेनिक है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको, जो मैं यूज करने वाली हूँ, धो लिया है। अब हम इस बाउल में डालेंगे 3 कप गर्म पानी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अब हम इसमें ये तीनों चीज़ें सोक करेंगे 2 आवर्स के लिए, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, है ना। तो मैं आपको जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे 2-3 आवर्स के बाद मिलती हूँ। मेजरमेंट से करेंगे ना, तो आपको ये मुश्किल नहीं आएगी कि मीठा कम है या ज़्यादा है। बहुत ही परफेक्ट चटनी बनेगी। मैंने और भी 2-3 चटनी की रेसिपी बनी लिखी हुई हैं, डाली हुई हैं अपने वीडियो पे। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से ऐसे मैश हो गया है अपने आप ही। ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है। अगर हम हाथ डाल के इसमें देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से देखिए ऐसे मैश हो गया। तो अब चाहें तो आप ऐसे इसमें इसको खूब अच्छे से मैश करके छाननी में से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप फिर इसको मिक्सी में चला सकते हैं। तो मैं मिक्सी में चलाने वाली हूँ। और जो हम मसाले इसमें डालेंगे, हमने 1 टेबलस्पून ली है शुगर, चीनी और नमक लिया है हमने 1.5 चम्मच सादा नमक, 1.5 चम्मच काला नमक, और जीरा लिया है हमने 1.5 चम्मच, ये भी जीरा भी 1.5 चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर हमने 1.5 चम्मच लिया है। आप इसको 1.5 से 2 चम्मच कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर वाली है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। सौंफ पाउडर हमने लिया है, इसको बिल्कुल अच्छे से अपने आप पीस लिया है, पहले हमने हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ था। तो सौंफ पाउडर हम लेंगे 3/4 टीस्पून, और इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो पहले हम इसको मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं इमली के पल्प को। ये देखिए ग्राइंडर जार में चलाने के बाद ना, ये कुछ इस तरह का हो गया है, ना बहुत गाढ़ा है ना पतला है, देख रहे हैं ना आप। ये जो इमली और इसका ये पल्प बना है ना, गुड़ का, इमली का और खजूर का, ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो मिक्सी में चला लेंगे ना, ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। अब हम करेंगे इसको स्ट्रेन, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रेनर को ऐसे रख लिया है, और इसमें हम ये जो पल्प है ये डाल देंगे और इसको छान लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और देखिए इतने सारे में से ना बस केवल ये बचा है, आप देखिए केवल ये थोड़ा सा पल्प बचा है। तो इसको हम अलग रखते हैं और कढ़ाई को गैस पर चढ़ाते हैं। तो देखिए हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसको ऐसे चढ़ा दिया है। अब हम जो हमने मसाले निकाले थे ना, वो सारे इसमें डाल देंगे। सौंफ को बस बाद में डालेंगे। तो सौंफ को हमने छोड़ दिया है और ये सब मसाले हमने इसमें मिला दिए हैं। अब हमें ना इसे पकाना है। ये देखिए कुछ इस तरह की है, अभी भी इतनी गाढ़ी है, यानी आप नाप के पानी और ये सब डालेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ना पकाएंगे। ये देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये कुटी हुई सौंफ, पिसी हुई सौंफ पाउडर,
और इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप ना टेस्ट करके देख लेंगे। और इसको अब हम थोड़ा गैस को धीमा करके 2 से 4 मिनट पकाएंगे। जितनी आपको थिक रखनी है ना, जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है वैसा आपको बनाना है। और देखिए पकते हुए 5 मिनट हो गई हैं, चटनी ने अपना कलर ले लिया है, तो ये परफेक्ट चटनी बनकर तैयार है। थोड़ी रखने के बाद भी ना ये थिक होती है, जैसे आप रख देंगे ना तो उसके बाद भी ये थिक हो जाएगी, तो उस तरह के कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको रखना है। तो अभी ठंडी होने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, और ये देखिए थिक भी पूरी हो गई है। अगर आपको चाहिए तो आप और थिक कर सकते हैं, बट ठंडी होने के बाद ना ये थिक हो जाती है। समोसे के साथ खाइए चटनी, या आप टिक्की के साथ खाइए, दही भल्ले पर डाल के खाइए, ये चटनी बहुत बहुत अच्छी लगती है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए अब हमारी यम्मी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। अगर आपको मीठा ज़्यादा लगता है तो आप गुड़ कम डाल सकते हैं। तो पहले आप 250 ग्राम गुड़ से शुरुआत कीजिए। मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।